नमस्कार जी, हम आए हुए मोरखेड़ी गांव में। हमारे साथ आज ब्लॉक समिति के मेंबर रमेश कुमार जी हैं। कहते हैं रमेश कुमार जी कि न धर्म की राजनीति करते हैं, न जाति की राजनीति करते हैं, जनता का विकास करना है, विकास की रणनीति की बात करते हैं। तो नमस्कार रमेश कुमार जी। नमस्कार जी। रमेश कुमार जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके क्षेत्र में कौन कौन से गाँव लगते हैं। हमारे उसमें लगते हैं जी, एक तो समचाणा के तीन वार्ड और मोरखेड़ी पूरा। तो आपने दोनों गांव का दौरा भी किया होगा। हाँ। तो इन दोनों गांव में क्या क्या समस्याएं देखी आप? इनमें पहले तो जी गंदे पानी की समस्या हो रही है सारे, उड़े भी समझाने भी, नाली खराब हो रही सारे। और गांव में तो है ही नहीं जी की मानने की रास्ता, सारे नाले टूटे पड़े हैं। पीने के पानी की भी समस्या है हमारी, पीने का पानी भी बढ़िया नहीं सकती। तो इसके लिए आपने क्या प्रयास करने वाले हो? इसके लिए जी एक तो बूस्टर की वाह है, बूस्टर बन जाए, फिर उसमें बदरूम पानी लकड़ी जाए। इसके बारे में अधिकारियों से मिले हो? हाँ, मिले हैं, उन्होंने बात की। क्या क्या आश्वासन दिया? डागर साहब से भी मिले थे। तो क्या आश्वासन दिया? डागर साहब ने कहा था जी प्रस्ताव दो और आप काम करो अपने। दे दिया प्रस्ताव? दे दिया। प्रस्ताव में क्या क्या दिया? इसमें ये सारी चीज़ दे रखी, नाले की भी और पानी के पीने की भी, और एक लाइब्रेरी की स्कूल में, और एक जिम की दे रखी बच्चों के लिए। तो गंदे नाले की जो समस्या बता रहे हो, उसका पानी, उसकी निकासी कहाँ पर हो सकती है? उसकी जी स्कूल के परली साइड में पंचायती जमीन से वही पन्ना वाला चढ़ी ऊँचा गुरु बोल, उसमें पन्ना वाला चढ़ी है। उसमें एक दिन गांव इकट्ठा कराया था मंदिर में, उस दिन बताई थी वही ये काम समस्या है, और ये जमीन दे दो और इसमें सारी समस्या हल हो जाएंगी। उसमें स्टेडियम भी बन जाएगा बच्चों का खेलने कूदने का। गांव में स्टेडियम नहीं है? ना कुछ नहीं है जी, ना डिस्पेंसरी हमारे गांव में। जी एक डिस्पेंसरी की जरूरी है। तो स्टेडियम के लिए जमीन है गांव में? जमीन पंचायत की व अन्य वायचदी है जी, और खाली हो जाए। फिर गांव वाले जो उस जमीन को देने के लिए तैयार हैं? हाँ, ये कुछ तैयार हो जैसे, मतलब सहमत है कि हाँ, स्टेडियम के लिए जमीन दे दी हाँ, जाएगी, और डिस्पेंसरी के लिए, डिस्पेंसरी के लिए भी। उसमें एक बूस्टर बन जाएगा गंदे पानी का, उड़े तो पाइप दब के बदरों में पानी निकल जाएगा। किस खेल से संबंधित ज़्यादा खिलाड़ी गांव में? सारे मेल गए इसके भी सब, ये वेट लिफ्टिंग के, वेट लिफ्टिंग के ये हमारे गाँव की कई दो तीन लड़कियाँ हैं, ये मेडल भी ले रही है। किस क्षेत्र में ले आई, कौन से गेम में? ये इसमें वेट लिफ्टिंग में, वेट लिफ्टिंग में कई बार वेट लिफ्टिंग के कोच भी हैं गांव? कई बार ओ कोच था जी, वो फिर ही चला गया, अभी कोई सरकारी कोच नहीं, कोई सरकारी कोच नहीं। तो आपने कोच के लिए डिमांड की खेल विभाग से? हाँ, कई तो क्या आश्वासन? एक बार ये जमा हुए पीछे भी कोच। तो उस सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़े, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने वाले? हाँ, कई बार कर भी लिया, मतलब घर घर जाकर पेरेंट्स को जागरूक करोगे हाँ, भाई बच्चा ने सरकारी स्कूल में पढ़ा और सारी सुविधा मिल रही है, सारी सुविधा, फीस कम, सारी फैसिलिटी, ड्रेस फ्री, किताब फ्री, सारी चीज जी, ये सारी सुविधा है। पीने के पानी की क्या समस्या है गाँव में? पीने का पानी तो रहे नारा जी की मानने की कोई भी समझ नहीं। अभी पीने का पानी कहाँ से लेके आते हैं? देता पूरे बनखरे गाँव में जो आरोगा कर रहा हूँ, आरोगा और जो टूटी डिग्गी की सप्लाई है वह बर्तन वर्तन का ही काम आ रहा है। वो जो पीने का पानी आता है आपके यहाँ वाटर सप्लाई का, वो कितने मिनट चलता है? कुछ प्राइवेट ट्यूबवेल है, वो खारा पानी है, पानी ना दो साबुन भी पाटे से उसमें। अच्छा जी। और उसमें भी डालूंगा ना दूध डाल में भी, ना मतलब घर के लिए इस्तेमाल होता है सिर्फ, पीने का छोड़ कर पीने का पानी नहीं है ना, पीने का तो ये आरोगा ले आरोगा ले। और इसके अलावा गांव में जैसे जो जिम की बात कर रहे हो आप, तो जिम के लिए अलग स्तर पे कोई ज़मीन है? स्कूल में है जी, स्कूल में जिम खुलवाई जाए। स्कूल में पीछे है जगह बताइए, स्कूल में पीछे जगह ज़मीन है? हाँ, ज़मीन है दो किले। गलियों की बात करें तो कुछ गलियां टूटी फूटी भी होंगी गांव में, हाँ, तो उसके लिए आप ये क्या प्रयास रहेंगे? उनके लिए यो है जी, एक बार ये नई हो जाए बीच से, ये ऊँची हो जाए गार ना हो बीच में, नाली मकान ना बदलो, ये। तो जो जो समस्याएं हैं आपका सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हाँ जी।
कोशिश पूरी कर रही है। कोशिश पूरी है। और चेयरमैन साहब का और वाइस चेयरमैन साहब का आपके साथ है? हाँ, चेयरमैन। और वो विकास कार्य करवाना चाहते हैं? हाँ, करवाना चाहते हैं जी, पूरे 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 सपोर्ट कर रहे हैं आप? हाँ, पूरे विकास कार्यों को। हाँ, और हमारे साथ ब्लॉक समिति के मेम्बर रमेश कुमार जी थे, जिन्होंने बताया कि इनके क्षेत्र में जो जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने जा रहे हैं, और सरकार से भी यही आग्रह करना चाहेंगे कि समस्याओं पर गौर करते हुए, जैसा कि प्रधान जी ने बताया हमारी समस्या कि एक तो पीने के पानी की समस्या है, गंदे पानी की निकासी की समस्या, और जो गलियां हैं टूटी फूटी उनको ठीक करवाना चाहते हैं, नालों की मरम्मत करवाना चाहते हैं, जो जो ये समस्या बताए हैं सरकार से यही आग्रह करना चाहेंगे इनकी समस्याओं पर गौर करते हुए इनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।